इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। तोशाखाना फैसले पर एहतजाज के केस की समाअत, इमरान खान को अदालत पेश होने के लिए दो बार वक्फा किया गया। इमरान खान की अदम हाजिरी पर जज राजा जवाद अब्बास ने जमानत खारिज कर दी। दूसरी जानब बैंकिंग कोर्ट में भी चेयरमैन पीटीआई मुश्किल में। इमरान खान की तिबी बुनियाद पर दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। बैंकिंग कोर्ट के जज रक्षंदा शाहीन के इमरान खान को अदालती औकात के दौरान पेश होने की मोहलत। इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक कोई फैसला करने से रोक दिया। जीएसटी पर ही बस नहीं, आवाम पर आज 170 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगेंगे। विफाकी काबिना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मिनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज दोपहर होंगे। कौमी असेंबली में रूल्स मुअत्तल करके मिनी बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस सप्लीमेंट्री और टैक्स कानून तरमीमी बिल्स मंजूर कराए जाएंगे। कोरम मुकम्मल करने के लिए रात ही तमाम अरकान को पैगाम भेज दिया गया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का इम्कान। जीटीए मौलाना चतुराली, पीटीए मुनहरिफ अरकान आईएमएफ बजट पर नुक्ता एतराज उठाएंगे। इजलास में दो साल कैद रहने वाले रुकन कौमी असेंबली अली वजीर की शिरकत का भी इम्कान है। रातों रात हर चीज महंगी। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 1000 की खरीदारी पर 180 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आईएमएफ से मुआहिदे पर रात 12 बजे से अमल दरामद भी हो गया। जराए के मुताबिक चीजों पर टैक्स की शरह अज खुद बदल गई। नई कीमतों की वसूली का आगाज भी हो गया। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह भी बढ़ा दी गई। देहरून में शामिल सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 6.5 से बढ़ाकर 16,500 रुपए कर दी गई। टीयर टू में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2,050 रुपए से बढ़ाकर 5,050 रुपए मुकरर। सैकड़ों लग्जरी आइटम्स पर 25% जीएसटी लगाने की भी मंजूरी। ऐलान आज किया जाएगा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए मजीद बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़े इजाफे का खदशा। डीजल पर आय लेवी 40 से बढ़ाकर 50 रुपए किए जाने का इम्कान। पेट्रोल पर हुकूमत पहले ही 50 रुपए लेवी ले रही है। जराए के मुताबिक डीजल के अलावा दीगर मसनूआत पर डॉलर की कदर में इजाफे का असर भी आएगा। वजारत खजाना आज वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों के हवाले से हतमी फैसला करेगी। लीगी वज़रा आवाम के संग, नून लीग के विफाकी वज़रा और वज़ीरे मुमलिकत बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। 12 विफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत की वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बगैर तनख्वाह काम करने के फैसले से आगाह किया। वज़रा ने फैसला मुल्क के दरपेश मुआशी मुश्किल हालात के पेश नज़र कौमी जज्बे के तहत किया। वज़ीरे आज़म पहले ही ज्यादा मुआवनीन खसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में काबीना के अरकान बिला मुआवजा काम करेंगे। पाकिस्तान की लंबे अरसे के कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC से मनफी। फिच ने रेटिंग करा दी। बयान दिया, रेटिंग में तनजली जर मुबादला जखायर में खतरनाक हद तक कमी के सबब की गई। पाकिस्तान के जर मुबादला जखायर में रवा साल मामूली बेहतरी मुमकिन है। पाकिस्तान को दीगर जराए से 3.5 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। दोस्त ममालिक पुराने कर्ज रोल ओवर के साथ मजीद 5 अरब डॉलर देने पर आमादा। करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 4.7 अरब डॉलर रहेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1.33 रुपए कमी से 266.01 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी से 269 रुपए का हो गया। दूसरी जानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स के 41,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह बहाल हो गई। महकमे खुराक के क्रैक डाउन के मुस्बत असरात। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई सरप्लस हो गई। डीलर्स की अक्सरियत का स्टॉक मौजूद होने पर मजीद आटा लेने से इनकार। महकमे खुराक पंजाब के मुताबिक लाहौर में रोजाना 10 किलो आटे के 3 लाख थैलों की फरोख, जबकि सप्लाई 3.5 लाख की गई। लाहौर के 2,500 से जायद आटा डीलर्स के पास वाफिर आटा मौजूद है। सरकारी गंदम चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। We'll be right back.
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास, दोनों सूबों में इंतखाब की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत, कानूनी और आईनी ऑप्शंस पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन की टीम को गवर्नर पंजाब से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे रखा है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने का मामला, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार से पूछा, आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है वो क्या कर रहे हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, गवर्नर ने तारीख देने से इनकार किया। जस्टिस जवाद ने कहा, अदालत प्रेस रिलीजों को नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 रोज हैं, आप इंतजार करें, समाअत में वक्फा कर दिया गया। इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है, क्योंकि वो तो आईन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आईन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो, आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आईन तोड़ने को तैयार हैं, अब ये अतिया के खिलाफ मुनसिब मुहिम चलाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान अवाम से भाग रहे हैं, ये तो अपने अरकान का सामना भी नहीं कर रहे। मरियम इल्जाम लगाती हैं, ये इमरान खान का मुआहदा है तो ये 10 माह से क्या कर रहे हैं। फारूक हबीब ने ट्वीट किया, शिकस्त के खौफ से शहबाज जरदारी, फजलुर रहमान इंतखाबात से भाग गए, इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद कर रहा है। 90 रोज में इंतखाबात के अदालती फैसले की हुक्म अदूली की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर पर आईन के आर्टिकल 204A के तहत तौहीन अदालत लग सकती है, जिसकी सजा 6 माह जेल है। इस तरह की तकरारों के ऊपर किसी भी सियासी जमात को होती हैं और अपनी रिजर्वेशन का इजहार करने का एक तरीका होता है, लेकिन उसका कभी भी ये तरीका नहीं होता, हमने तो खैर किया नहीं, लेकिन कभी भी ये तरीका नहीं होता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव, हथकंडे, सोशल मीडिया के ऊपर गालियां और इनके फैसलों को असरअंदाज होने के लिए जो कर रहे हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन से अपने हक में फैसले के लिए दबाव डाल रही है, आईनी इदारों को धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी रहनुमा ने कहा कि कोई भी इदारा इमरान खान की धमकियों से महफूज नहीं, इमरान खान फौज के साबिक सरबराह के बारे में भी बयान दे रहे हैं, नून लीग इदारों के साथ खड़ी है। नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियां दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियां दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है इदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इंप्लीमेंट नहीं करते। इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन आवाम कराएंगे, मरियम नवाज खुलेआम इदारों को धमकियां दे रही है, हैरान हूं किसी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर एक्शन लिया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट और सियासी इदारों को तय करना होगा पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, गवर्नर कहते हैं वो तारीख देने के मजाज नहीं, तो क्या आप सदर पाकिस्तान की तरफ जाएं? अगर लाहौर हाईकोर्ट अपने फैसले पर अमल नहीं करा सकेगी तो अदालतें बेवकत हो जाएंगी। हलका बंदियों के मामले पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी में बड़ा ब्रेक थ्रू, सूबाई वसीर नासिर शाह की सरप्राही में पीपल्स पार्टी का वफ्द आज बहादुराबाद मरकज का दौरा करेगा।
सूबाई वजीर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम राबता कमेटी तक पहुंचाएंगे। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात मानने को तैयार हो गई है। एतराजात दूर करने और नई यूनियन काउंसिल के इजाफे के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के अहकाम रिवर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक डिवीजन, चार अजला और चार तहसीलें बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गुजरात को डिवीजन जबकि वजीराबाद, कोट अद्दू, तलागंग और मरी को अजला बनाने के नोटिफिकेशन मुअत्तल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चार नई बनने वाली तहसीलों का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। तौसा को जिला बनाने का नोटिफिकेशन पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। पंजाब और खैबर के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली और शेखुपुरा में 11 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए। खैबर में अब तक 6,28,700 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की कमांडर यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड वॉइस एडमिरल बर्ट कूपर से मुलाकात। तर्जमान पाक बहरे के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी, बहरी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया गया।